आप लोगों में से कितने मानते हैं कि आप सुपरस्टिशियस हो सिर्फ दो लोग चलो इसको यहां से शुरू करते हैं क्या हम लोगों को पता भी है सुपरस्टिशन होता क्या है सर सुपरस्टिशन मतलब हमारे मन की धारणा है जैसे कहते हैं चप्पल उल्टी करने से लड़ाई होती है ये मैं, मैं पहली बार सुन रहा हूं कि चप्पल उल्टी करने से लड़ाई होती है ए, सर होती है सर अच्छा होती है आपकी होती है मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती है नहीं सर मतलब दिमाग में बैठ जाता है देखते हैं तो सीधी करनी है मतलब <laughs> मतलब अगर कहीं चप्पल उल्टी दिख जाती है तो हम फटाफट फड़ से उसको सीधी करते हैं हाँ। ये तो देखो बहुत ही बेसिक लेवल का सुपरस्टिशन हो गया yes, यही तो प्रॉब्लम है जहां पर के ये देखा गया है कि अगर एक पर्टिकुलर आउटकम को लिंक कर दिया जाए एक पर्टिकुलर तरह के एक्शन से तो जानवर उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं मतलब एक पैटर्न बन जाता है पैटर्न दो तरीके का होता है एक जिसका साइंटिफिक बेसिस है और दूसरा जिसका नहीं है अगर नहीं है और फिर भी आप उसको मान रहे हो या उस पैटर्न को रिपीट कर रहे हो दैट इज सुपरस्टिशन जिस भी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में अगर वो पैटर्न यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है तब तो वो सुपरस्टिशन नहीं है यानी जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं प्यास बुझ जाती है ये भी एक पैटर्न है हर इंसान पे हर जानवर पे ये एप्लीकेबल होता है तो ये क्या है ये लॉ है जिसके कॉज एंड इफेक्ट को बड़े अच्छे से लिंक किया जा सकता है कि प्यास लगती है तो क्यों लगती है और पानी से प्यास कैसे बुझती है इसको बड़े आराम से कनेक्ट किया जा सकता है बट कोई भी ऐसा पैटर्न जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो दैट कुड बी रिलेटेड टू योर थॉट और एक्शंस जो सब पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो सब एक सुपरस्टिशन है और इसका हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं मैंने बहुत लोगों से बात करी पूछा मैंने कहा ये क्या है ये इतना सुपरस्टिशन क्यों है कहते कहीं ना कहीं ना इसका कनेक्शन एजुकेशन से है जबकि ऐसा नहीं है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं हार्वर्ड से पढ़े हैं यानी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जब हरकतें देखोगे तो इतना सुपरस्टिशन भरा पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है यानी उनकी मदर की डेथ हुई वहां पर गए और वहां पर जाकर के क्या बातें चल रही थी कि काम करते हैं ये जो बॉडी है ना इसको यहां से वहां शिफ्ट कर देते हैं आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि भाई ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो वो कहते हैं यहां पर ना ऊपर शेड है तो आत्मा को निकलने में दिक्कत होगी तो अगर हम बॉडी को यहां कर देंगे तो इनकी आत्मा बड़े आराम से निकल जाएगी इनको मुक्ति मिल जाएगी आप हंस रहे हो लेकिन आप खुद ऐसे हो जो मैजिक है क्या वो सुपरस्टिशन नहीं है ये मान लेना कि मैजिक एक्चुअल में होता है देखो मैजिक दो तरीके से होता है एक है एंटरटेनमेंट के लिए जैसे पीछे मैंने भी अपने कुछ सेशंस में अपनी एक स्किल दिखाई थी माइंड रीडिंग की तो आपको क्या लग रहा है मैं एक्चुअल में आपका माइंड रीड कर रहा रहा हूं अगर लग रहा है तो आप महा बेवकूफ हो क्योंकि मैं बोल चुका हूं क्लियरली फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्या कर सकते हैं या तो मैं बोल रहा होता ना नहीं मेरे पास में ऐसी कोई शक्ति है कोई शक्ति नहीं है स्किल है जो मैंने सीखी है जिसको सीख करके मैं बता सकता हूं कि आप अभी इस वक्त एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो आप में से किसी को भी बुला करके मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं बट आई डोंट टू टेल यू यही फायदा होता है फ्री के सेशंस करने का क्योंकि अगर मैं पैसे ले रहा होता तो मुझे इनकी बात माननी पड़ती कि सर आई वांट टू नो मैंने पैसे दिए हजार रुपए की टिकट खरीदी है अब करके दिखा जादू अब मेरी मर्जी मैं करूं या ना करूं बट ऑल आई कैन से नो द स्किल ऑफ माइंड रीडिंग मुझे पता है वो कैसे करते हैं बट मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अगर मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे होता है तो ये उन लोगों के लिए गलत होगा जिनका कि ये प्रोफेशन है और प्लस आप लोगों के साथ भी ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए इसको देखते हैं उनको मजा आना खत्म हो जाएगा ध्यान से देखो अपने आप को आपको नस नस में सुपरस्टिशन नजर आएगा बड़ी जल्दी हम लोग किसी की भी साइड ले लेते हैं क्या ये सुपरस्टिशन नहीं है आजकल YouTube पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फैक्ट्स बता रहे हैं मतलब कहीं से भी कुछ भी पढ़ा और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है कि अलग अलग जगह से पढ़ो और फिर पढ़ करके आपको बताओ अरे चैट जीपीटी है गूगल बार्ड है वहां पर जाओ -जा करके बताओ कि मेरे को किस टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च चाहिए वो सारा करके आपको दे देगा और आप सुन रहे हो आपको लग रहा है वाह क्या बात है मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जिससे मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूं इज नॉलेज इक्वल टू इंटेलिजेंस कोई भी आकर के आपको कुछ भी बता रहा है क्या उसको आप वेरीफाई करते हो या बस सुन करके उस इंसान से अटैच हो जाते हो और उस इंसान के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो वाई होने का क्या फायदा है अगर हम अपनी जो एक ऐसी पावर है जो कि जानवरों से अलग है उसको नहीं यूज करते हैं सिर्फ खाते हो पीते हो निकालते हो प्लेजर्स में एंडल्स रहते हो ये तो सब जानवर भी करते हैं इसमें अलग क्या है एक ही तो चीज है हम इंसानों के पास में जो जानवरों से अलग है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं बट हम ऐसा करते क्यों नहीं है बताओ अगर किसी के पास में कोई जवाब है कि क्यों हम इतने सुपरस्टिशियस हैं क्यों हम कुछ भी मान लेते हैं सर मेरे हिसाब से कही कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड से है जैसे कि सपोज़ जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये इससे हो जाएगा तो हम उसे मानना शुरू कर देते हैं जैसे कि एक पेन है मेरे पास तो मुझे लगता है कि शायद ये पेन में लेके जाता हूँ ना तो मेरा काम हो जाता है तो मैं उस चीज को रख लेता हूँ अगर मैं जल्दी में हूं मैं लेट भी हो रहा हूं तो मैं ढूंढूंगा कि वो पेन कहा है मेरा तो अब इस सेशन के बाद उस पेन का क्या करोगे आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो मतलब क्या करोगे वही करते रहोगे जो अब तक कर रहे थे क्योंकि तो फिर तो टाइम खराब हो गया आपका भी और मेरा भी यस yes, सर क्या करोगे वो सर वहीं पे रहेगा जहां पे <laughs> कह रहे वो सर वहीं पे रहेगा जहां पे था एक बात आराम से सुनो आराम से समझो कि अगर आप कुछ भी ऐसा मानते हो जिसका कोई बेसिस नहीं है फॉर एग्जाम्पल ये पेन वाला जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं इस पेन से साइन करता हूं तो वो डील हो जाती है इट लुक्स हार्मलेस ऐसा लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट मान लेते हैं आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस वक्त जब आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा होगा डॉक्टर्स के पास में जवाब नहीं होगा आपके पास पर जवाब नहीं होगा कोई सोल्यूशन नहीं होगा और कोई इंसान आकर के बोलेगा कि ये कर लो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो करोगे या नहीं करोगे तो क्या आप फंसते नहीं चले जा रहे हो अगर आज आपके पास में एक छोटी सी चॉइस है यानी एक तरफ एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है एक तरफ है डबल चीज पिज्जा तो दोनों में से आप क्या चूज करते हो पूरी लाइफ में आपने करोड़ों डिसीजन लिए उसमें से एक है ये लेकिन उस वक्त आप दोनों में से क्या चूज कर रहे हो दैट इज दस ऑफ डिसिप्लिन यानी जो आपकी छोटी छोटी चॉइसेस हैं छोटे छोटे एक्शंस हैं, वो धीरे धीरे कंपाउंड होते चले जाएंगे और आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा या तो अच्छा या बुरा ऐसे ही ये ये जो आपके छोटे-छोटे आने वाले 20 साल में इसकी वजह से क्या होगा आपका माइंड कैसा हो जाएगा मतलब आप अंदर से इतने डरे हुए होंगे कि कोई भी आकर के आपसे कुछ भी करवा सकता है अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो तो आप इस डेंजर को अभी देख लोगे और अभी जितने अपने सुपरस्टिशन है सारे वो अभी की अभी सारे छोड़ दोगे कल का वेट नहीं करोगे सुपरस्टिशन की वजह से क्या गड़बड़ होती है हमारे माइंड के लेवल पे अगर इसको आप देख पा रहे हो तो आप अभी छोड़ दोगे अपने सारे के सारे सुपरस्टिशन को डू यू गाइज वॉन्ट टू नो कि इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है आई यू जस्ट क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा एक्चुअली यू वॉन्ट टू नो सुपरस्टिशन की वजह से क्या गड़बड़ होती है देखो ध्यान से समझो सुपरस्टिशन से ज्यादा खतरनाक इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है और जब मैं बात बोल रहा हूं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं बट इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि ये चारों तरफ फैला हुआ है तो बड़ा नॉर्मल लगता है मान लो एक ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहां पे सारे ड्रग एडिक्ट हैं तो आपको बड़ा नॉर्मल सा लगेगा बल्कि कोई आ गया ना जो कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो आप उसी को मार दोगे चुप कर तुझे कुछ नहीं पता है यहां पर ऐसा ही होता आ रहा है सदियों से तो सुपरस्टिशन की वजह से क्या होता है आपका जो थॉट है उसका कोई ग्राउंड नहीं है बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी आप यहां पर चल रहे हो आप इमेजिन करो यहां पर एक सॉलिड ग्राउंड ना हो दलदल हो तो क्या ये आपके लिए अच्छा है, है बुरा है या बहुत बुरा है, बुरा है।, बुरा है।, बुरा है। अंदर घुसते चले जा रहे हो अब एक ऐसा पॉइंट आ गया आप चाह करके भी यहां से बाहर नहीं निकल सकते हो सफोकेट हो रहे हो जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है लेकिन बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है ऐसी दलदल है ये सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन का मतलब क्या कि आपकी जो ब्रेन है आपका जो माइंड है वो ऐसा है जिसके पास में कोई ग्राउंड ही नहीं है सॉलिड ग्राउंड नहीं है सॉलिड ग्राउंड क्या होता है नॉलेज बैक बाय साइंटिफिक रिसर्च इसको बोलते हैं सॉलिड ग्राउंड और अगर आपका जो थॉट है है वो बेस्ड आपके अपने बायसेस के ऊपर वो बेस्ड है ऐसे बिलीफ के ऊपर जो कि बिल्कुल ही बकवास है तो अब आपके थॉट का कोई ग्राउंड ही नहीं है यानी होता क्या है हम सबको अपनी लाइफ में क्या चाहिए पॉजिटिव आउटकम नेगेटिव आउटकम पॉजिटिव आउटकम चाहिए कोई भी ये तो नहीं कहता ना मेरे को नेगेटिव आउटकम चाहिए और फिर भी आप काम कर रहे हो फेल होने के लिए तो कोई भी बिजनेस नहीं, तो नहीं करता हो जाता है और उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तो वहां पर सुपरस्टिशन बढ़ता चला जाता है वहां पर क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो इसका शॉर्टकट बताते हैं कि तुम्हें यह चाहिए देखो मैंने ये किया था स्पेशली अगर उसको आउटकम मिल गया है जो आप चाहते हो मान लो पैसा कमाना चाहते हो तो किसी ने आकर के आपको बोल दिया मैंने वहां पर जाने का रूटीन अपना फिक्स किया पिछले तीन साल से और तीन साल पहले हमारी हालत बहुत ही खराब थी आज देखो कितनी बढ़िया हो गई है अरे भाई वहां जो तुम जा रहे हो उसका तुम्हारी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन से क्या लिंक है क्या दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको बट आप अननेसेसरी उसको कनेक्ट कर रहे हो ऐसे ही ये जो हमारे छोटे छोटे सुपरस्टिशंस हैं जिसको सोच करके हमको लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ता है वो कह रही है ना मम्मी कर लो ना अब आपने किया और आपको पॉजिटिव आउटकम मिल गया अभी तक तो वो मम्मी का बिलीफ था अब वो किसका बिलीफ है आपका बिलीफ है अब जब इसको कंपाउंड करोगे ये छोटे छोटे एक्शंस को सबको मिला करके जो आप मानते हो तो आप देखोगे अंदर डिसऑर्डर है इतने सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं जिसका आपस में कोई दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है हो क्या रहा है मैं आपको उसकी जड़ बता रहा हूं जड़ क्या है कहां से ये सब शुरू हुआ क्या देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो ध्यान से सुनना अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है उसको एक लाइन में समाप्त करता हूं आपकी जो थिंकिंग है अगर उसका ग्राउंड कोई अजम्पन है दैट विल इन लीड टू ओवर थिंकिंग एंड ऑल काइंड साइकोलॉजिकल लेवल बट अगर आपकी थिंकिंग का जो ग्राउंड है वो रियालिटी है दैट टू रियालिटी विच कैन बी वेरीफाइड अगेन एंड अगेन बाई एनी बडी एंड एवरीबडी तो आपकी थिंकिंग ऐसी होगी जिसमें एक ऑर्डर होगा यानी आप क्लियरली अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को देख सकते हो और क्लियरली बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो तो आप मुझे बता दो इससे बड़ी बीमारी और क्या है सुपरस्टिशन से बड़ी बीमारी जो आपकी थिंकिंग की ध्जिया उड़ा देगी और जिसकी थिंकिंग की ध्वजिया उड़ गई उसकी लाइफ की धज्जिया उड़ गई चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास में पावर हो नाम हो पोजीशन हो कुछ भी हो अगर मेरी इस बात को वेरीफाई करना हो और देखना हो कि आपकी लाइफ में कितने सुपरस्टिशंस हैं किस लेवल के हैं तो कुछ दिनों के लिए अकेले में जाकर के बैठो और सिर्फ अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगा दो कितनों ने ये ट्राई किया है क्या क्या आता है माइंड में बहुत कुछ आता है और वो जो बहुत कुछ आता है क्या उसमें कोई ऑर्डर होता है ये ट्रैफिक जैम की तरह होता है इसकी जड़ क्या है वो पेन हाँ आप हाथ ऊपर करना मेरे माइंड में पता है आपका ही आ रहा था अब ये भी हम चाहे तो इसको भी बना सकते हैं कि मैं बारे में ही सोच रहा था जो जड़ है वो वो पेन है और उन्होंने तो मतलब, मतलब मैंने यहां से सोचा और वो जो वाइब्रेशन है वो इन तक पहुंची और इन्होंने अपना हाथ ऊपर किया क्या ये सुपरस्टिशन है या कोई इंसिडेंस है? है अब आप बताइए क्या करेंगे उस पेन का सर दो पेन और लूंगा और

ये जो छोटी छोटी आपकी जीत होती है ना इसी की वजह से आपको आगे जाकर सक्सेस मिलती है वो बड़ी सक्सेस है? बड़ी सक्सेस सक्सेस क्या क्या है है अ पीसफुल माइंड इससे दुनिया में मुझे बता दो चाहिए सबको या नहीं चाहिए एक तरफ आपको मिलता है बहुत पैसा लेकिन माइंड की धज्जियां उड़ी पड़ी है एक तरफ है पैसा थोड़ा कम है लेकिन माइंड सॉर्टेड है आई होप आज के सेशन से कुछ बेनिफिट हुआ है आप लोगों को

इतना कुछ लिखा जा चुका है इतनी सारी रिलीजियस बुक्स में किसी एक ऐसी रियलिटी के बारे में हर रिलीजन कहता है अलग अलग नाम सबने दे दिए हैं लेकिन सब कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है तो अब उसके दो तरीके हो सकते हैं एक है कि जिस इंसान ने जो कहा या लिखा या जहां पर लिखा आप उसकी पूजा करो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोलता हूं अपनी वीडियो में आपके पास में दो ऑप्शन है एक है कि आप मेरी एक फोटो निकालो बढ़िया सी इंटरनेट से गूगल पे टाइप करो आ जाएंगी बहुत सारी फोटोज आ जाएंगी जो आपको अच्छी लगे उस फोटो को लगा लो और उसकी पूजा करो बैठ करके तो आपको अच्छा फील होगा कुछ टाइम के लिए क्योंकि एक पॉजिटिव इमेज आपके माइंड में है मेरे से रिलेटेड कोई और हो सकता है जिसको मुझसे जलसी हो वो अगर मेरी फोटो को देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा तो ये गुस्सा आना और माइंड का पीसफुल होना ये टेम्प्री है दैट इज कनेक्टेड टू जैसी आपके माइंड में मेरी इमेज है तो आपको उस इमेज की वजह से अच्छा या बुरा फील नहीं हो रहा है अपना जो थॉट है अपना जो बिलीफ है उससे रिलेटेड उसकी वजह से अच्छा है बुरा फील हो रहा है सिंपल एग्जाम्पल आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ है उससे अपोजिट जो रिलीजियस बिलीफ है किसी और रिलीजन का उस जगह पर ले जा करके आपको बिठा दिया जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप कहोगे ये क्या हो रहा है यहां पर ऐसे ही उसके साथ में होगा तो आपको जो पॉजिटिव फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो रहा है वो आपके अंदर जो पड़ा है उसकी वजह से हो रहा है बाहर जो है उसकी वजह से नहीं हो रहा दोनों में फर्क देख पा रहे हो एक है टेम्पररी सॉल्यूशन, एक है परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन कैसे मिलता है राइट right अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कोई दूसरा तरीका नहीं है सही समझ लाइफ की गिव्स यू अ परमानेंट सोल्यूशन विच इज ऑर्डर इन योर माइंड जिसको आप बोल सकते हो पीस ऑफ माइंड आई होप यू गॉट द आंसर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको रटिए मत समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है जो भी आपका बिलीफ है उसको क्वेश्चन करिए फिर चाहे आप एथिस्ट हैं चाहे रिलीजियस हैं

एक बार आप रियलिटी तक पहुंच गए और वहां पर ग्राउंडेड हो गए तो अब आपके थॉट को एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया है जहां से आपको क्लैरिटी है कि लाइफ क्या है डेथ क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है सुख क्या है दुख क्या है मन का शांत होना क्या है और मन का अशांत होना क्या है ये सारे सवालों के जो जवाब है आपको मिल सकते हैं अगर आपके थॉट का कोई ग्राउंड हो तो सॉलिड ग्राउंड वहां पर आप बैठ करके इंक्वायरी कर सकते हो सर आ, मेरी बहन तीन महीने पहले एक कड़ा लाई थी मेरे लिए गर्ति तू पहन ले इसके तेल बहुत ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलेगा लेकिन इसको पहनने पर मुझे लगा नहीं कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रोरी होगा लेकिन आज आपके सेशन के बाद ना मैं इसको अभी उतार दूंगा जाके अब देखना यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने पकड़ी है आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने पकड़ी है नहीं पकड़ी है ध्यान से सुनो अभी इनकी थॉट प्रोसेस में फ्लॉ क्या है कि इनकी बहन कड़ा लाई इनके लिए तीन महीने पहले इन्होंने तीन महीने से पहना इनकी बहन ने कहा था कि कुछ अच्छा होगा लेकिन तीन महीने में कुछ अच्छा हुआ नहीं है मान लो कुछ बहुत अच्छा हो जाता तो क्या करते That is my question. तो मेरे में रहता ना इस चीज के चक्कर में कि हमेशा हाँ, ये और, हाँ. और, मतलब तो, हाँ, और बताइए uh, जो चीज मैंने नोटिस करी अभी पूरे सेशन में अपनी थिंकिंग को अपना बेस चेंज कर ले तो हमारे एक्शन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर चप्पल उल्टी पड़ी है तो हम मैं पहले सोचता था कि लड़ाई हो जाएगी इस वजह से मैं चप्पल सीधी कर रहा हूँ बट नाउ आई विल थिंक दैट इट इज़ नॉट लुकिंग गुड अगर कोई चीज़ जूता उल्टा पड़ा है तो इट्स नॉट लुकिंग गुड आई एम जस्ट उसे सीधा कर रहा हूँ क्योंकि वो सही लगेगा तो आ, मैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकता हूँ राइट बट यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे एक और एक बायस आ गया है बीच में वो भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा क्या हो रहा है कि हम अभी भी चप्पल को सीधा कर रहे हैं लॉजिक कोई और दे रहे हैं ये जो लॉजिक है ना ये बड़ी खतरनाक चीज है मतलब हम क्या करते हैं हम कहते हैं हम इलॉजिकल तो नहीं है तो सेशन देख लिया करेंगे वही जो हम कर रहे थे लेकिन उस पेन को बचा करके रखेंगे <laughs> चप्पल को सीधा करेंगे आप समझ गए तो उस चप्पल को उल्टा ही रहने दो कभी कभी हमेशा नहीं क्यों उसके पीछे क्या रीजन है क्योंकि दुनिया भी उल्टी है इस दुनिया को आप सीधा कर सकते हो उस उल्टी चप्पल से आप क्या सीखोगे कि जब चप्पल उल्टी भी हो तो दिमाग सीधा रहना चाहिए आपके जो पड़ोसी हैं रिलेटिव हैं या जो भी अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी शादी हो जाएगी तो आगे जो भी कुछ होगा वो सब उस उल्टी चप्पल की तरह है जिनको आप सीधा करने की कोशिश करोगे लेकिन मरते दम तक वो सीधे हो नहीं पाएंगे और आप परेशान रहोगे तो बाद में इसके बारे में क्या सोचना है अभी से प्रैक्टिस करो ना चप्पल को कभी कभी उल्टा पड़े रहने दो अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कहीं पे फ्लॉ पड़ा रहने दो ये मैं बता रहा हूं ये मैं प्रैक्टिकली करता हूं अपनी लाइफ में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट ट इज अ ट्रैप क्योंकि फिर आप क्या चाहोगे हर चीज ऐसी ही होनी चाहिए किसने कहा है कौन सी किताब में लिखा है कि चप्पल उल्टी नहीं हो सकती बल्कि उल्टी ही होनी चाहिए मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों <laughs> चप्पल कभी सीधी नहीं होनी चाहिए उल्टी होनी चाहिए क्यों देखो लगाओ दिमाग अभी जैसे मैंने जूते पहने हुए हैं तो जूते अगर मैं सीधे रखता हूं या उल्टे रखता हूं बेटर क्या है लगाव दिमाग अगर उल्टे होंगे तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें अगर कोई गंदगी होगी तो निकल जाएगी ऊपर से डस्ट नहीं आएगी गंदगी अंदर नहीं भरेगी नहीं तो हम कभी ऐसा तो करते नहीं है कि जूते निकाले और फिर उसको निकाल करके साफ किया और फिर वो कर रहे अगर साफ करेंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे समझ गए कितने नुकसान है जूते को सीधा रखने के तो जूते आज के बाद उल्टे ही रखो